हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारत चौधरी और आज हम एक ऐसे गेम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एक हॉरर एक्शन एडवेंचर गेम है। गेम का नाम है डाइंग रिबॉर्न। डाइंग रिबॉर्न, मरने के बाद फिर से जिंदा होना, यही इस गेम का नाम है। आज हम इसी गेम के बारे में बात करेंगे, आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत चौधरी, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, डाइंग रिबॉर्न गेम को बनाया है नेकॉन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने, उसे पब्लिश इसी कंपनी के द्वारा किया गया है। और हम इस गेम की रिक्वायरमेंट की बात करें, और ये इस गेम को पीसी पर खेला जाता है तो पीसी की रजिस्टर रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसकी पीसी में मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर होना चाहिए, 6GB रैम और 4GB हार्ड डिस्क होना चाहिए। और हम इसे हेवी ग्राफिक्स के साथ खेलना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको i5 का प्रोसेसर होना चाहिए और 6GB रैम और मिनिमम में 6GB, इसमें भी 6GB और 4GB हार्ड डिस्क। मतलब इसकी प्रोसेसर की बहुत कम प्रोसेसर चाहिए, ज़्यादा हेवी प्रोसेसर नहीं चाहिए इसको गेम को खेलने के लिए। मगर इस गेम की अगर स्टोरी की बात करें तो यह एक एक्शन एडवेंचर स्टोरी है, ये पूरी हॉरर स्टोरी है। इसके अंदर गेम की स्टोरी के अंदर हमें ऐसे महसूस कराया जाता है कि हम पूर्व जन्म लेकर फिर से आए और एक अंधेरे कमरे के अंदर बैठे हैं। उसके अंदर हमें कुछ पजल सॉल्व करनी होती है, 6 चैप्टर तक हमें एक पजल सॉल्व करनी होती है, उसके बाद ये रियल गेम शुरू होता है। तो ये एक बहुत ही एक्शन एडवेंचर गेम है, हॉरर गेम है, हॉरर एक्शन एडवेंचर गेम है। यह गेम इसी महीने की 11 जनवरी 2018 को रिलीज होने वाला है। तो आप इसे स्टीम या आपके पास पीसी है तो आप पीसी पर खेल सकते हैं, अगर PS4 या एक्सबॉक्स कोई है तो आप इसे तीनों ही कंसोल पर, कौन सा भी कंसोल आप उस पर इस गेम को खेल सकते हैं। और आप यह गेम पसंद आता है तो आप इस गेम को स्टीम पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेके आ देते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।